बचपन में हम देखते थे कि हल चलाते हुए अगर बैल गोबर मूत्र आदि करे तो किसान कुछ देर के लिए हल रोक लेते थे ताकि बैल आराम से नित्य कर्म कर सके। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना हमारे उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब आज के समय से कोई 35-40 वर्ष पूर्व तक होता रहा। अगर शुद्धता की परख से देखें तो उस समय का देसी घी आजकल के हिसाब से 2000 रुपये प्रति किलो तक बिक सकता है। उसी देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो अपने बैलों को पिलाता था। और देखिए, टिटहरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर देती है और उनको सेती है। हल चलाते समय यदि किसान के सामने कहीं कोई टिटहरी चिल्लाती मिलती, ची 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 करती मिलती, तो किसान समझ जाता था और उस अंडे वाली उस जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर को किसान का जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम था। और बैल जब बूढ़ा हो जाता तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाते रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक उसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दे दें मार डालने के लिए, कैसे कसाईयों को दे दें काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन धूप भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका वह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरे जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मूक भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह अतुल्य भारत था। पिछले 90 से 100 वर्षों में लॉर्ड मैकुले की शिक्षा उस गौरवशाली सुसंपन्न भारत को निगल गई।